नमस्कार, देव भदानी ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं डोसा के बैटर से बहुत ही आसान नाश्ता उत्पम। तो देखिए, आज हम कैसे बनाते हैं डोसा का बैटर से उत्पम। यहाँ पर डोसा का बैटर है, ये है थोड़ा सा सोडा, ये नमक, यहाँ है गोलकी पाउडर, यहाँ धनिया पत्ती, यहाँ रिफाइंड ऑयल, चॉप किया हुआ शिमला, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ गाजर और हरी मिर्च। तो देखिए हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तवा को गैस पर चढ़ा देंगे, उसके बाद मेरा तवा गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसमें बनाएंगे ये बैटर से उत्पम। तो सबसे पहले बैटर को हम थोड़ा सा पतला करेंगे, ये देखिए थोड़ा गाढ़ा है। इसमें पहले हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालेंगे सोडा, मीठा जो सोडा होता है खाने वाला, थोड़ा सा डालेंगे। इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से मिक्स करने के बाद मेरा घोल कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। अभी भी थोड़ा सा ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी, थोड़ा सा ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से तब तक इधर मेरा तवा गर्म हो रहा है, देखिए कुछ इस तरह से रहेगा। तो आइए देखिए हम बना रहे हैं। तवा मेरा हल्का गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म में नहीं डलाएगा, थोड़ा सा कम गर्म में ही डालेंगे, मीडियम आंच पे। तो हम इसमें सबसे पहले डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, पहले इसे डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम बैटर को थोड़ा सा डब्बू की सहायता से डालकर फैलाएंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम जो ये हरी सब्जियां काट के रखे हैं चॉप करके, उसे गाजर, प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा मिर्च, हरी मिर्च। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गोलकी पाउडर ऊपर से डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, ऊपर से क्रंची बनता है, अंदर से मुलायम रहता है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक मेरा कवर हो रहा है। कवर करने से ये होता है जो सब्जियाँ जो हल्का हुआ कटा हुआ रहता है वो अच्छा से पक जाता है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये ऐसा नाश्ता है, झटपट बनने वाला नाश्ता है, इसे बच्चे लोग भी खाना बहुत पसंद करते हैं। बच्चे लोग को टिफिन में भी आराम से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे लोग सॉस के साथ इसे हम बादाम की चटनी, बादाम नारियल की चटनी किसी के साथ भी सर्व करके खा सकते हैं, क्योंकि ये क्रंची ऊपर से क्रंची होता है। तो देखिए मेरा 2 से 3 मिनट हो चुका है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए अभी कितना आसानी से निकल रहा है, ये बहुत जल्दी इसका तवा छोड़ देता है ये बैटर। एक बार इसको पलट देंगे इस तरह से। इसको पलटने के बाद फिर एक बार थोड़ा सा के लिए, थोड़ा देर के लिए इसको कवर करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए। इससे क्या होता है कि अंदर भी अच्छा सिकता है और ऊपर भी अच्छा सिक जाता है। तो देखिए मेरा हो गया 1 मिनट, इसे मैं फिर से पलट दूंगी। देखिए ये ना धीमी आंच में ही पकाएं, तेज आंच में ज़्यादा ना पकाएं, धीमी आंच में अच्छा से पकता है। उसके बाद उलट पलट के अच्छा सेक ले,
इस तरह से। देखिए मेरा कुछ इस तरह से उत्पम बनके हो गया है रेडी। इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकालूंगी, पहले इसे कट कर दूंगी, उसके बाद निकालूंगी। तो पहले मैं इसे पिज्जा कटर से कट कर दूंगी इस तरह से, बहुत ही अच्छा से कट हो जाता है। इसे कट कर दूंगी, पिज्जा कटर से काट सकते हैं, चाकू की सहायता से भी आप, इससे भी जो कलछी है इससे भी काट सकते हैं आराम से, बहुत ही सुंदर से कटिंग हो जाता है। अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालूंगी, सर्व करूंगी। इसे सर्व करूंगी धनिया पत्ता के साथ, ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निश कर दूंगी। इसे मैं मूंगफली और नारियल की चटनी बनाई हूँ जिसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे दाल की चटनी के साथ भी कर सकते हैं, टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए मेरा उत्पम बनकर हो गया है रेडी। अब आप लोग बताइए, घर में ट्राई कीजिए और बनाइए और ट्राई करके बताइए कि आप लोग कैसे बना, कैसा लगा खाने में। अगर अच्छा लगे खाने में तो देव बदानी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।